बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शुरू करते हैं जी। और मैं भी जा रहा हूँ छत पे। हमने एक मुर्गा लिया था, देसी मतलब वलैती टाइप का ना, उसको हमने रखना है मुर्गियों के लिए। मतलब हमने सबसे पहले ना मुर्गियों का सरदार लिया है। हवा चली हुई है। मुर्गियों का सरदार ले लिया है, मतलब मालिक जो होता है। तो उसके लिए मैंने खुराक शुराक यहाँ पर कुछ डाली थी। तो ये पीता है, ये देखिए बास भाई बास। तो ये थोड़ा सा ना इसकी दम छोटी है, ये भी बड़ी हो जाए। ये कहीं लड़ता छड़ता रहा, लड़ाते रहें जिनके पास था ना, तो लड़ाते रहें इसको ना। तो हमने तो लड़ाना छड़ाना नहीं है, वैसे भी ये गुनाह होता है। ये हमने ले लिया है इंशाल्लाह। मुर्गियाँ लेनी है 3-4 अंडों वाली, मतलब कोई हमें अच्छी सी मिल जाए ना। तो अभी हमारा वो शेड जो है ना कंप्लीट हो रहा है, आज शाम तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसको वहाँ पे छोड़ेंगे, मुर्गियाँ भी ले आएंगे, वो भी साथ छोड़ेंगे। फिर अंडे शंडे देंगी। अंडे तो घर के हों ना भाई, 20-22 रुपए का अंडा है। देसी अंडा तो भाई 40 का भी कोई नहीं देता इस तरह का। तो यहाँ पे ये है बाजरा। बाजरा ये ले भाई, ये ले ले भाई, आजा खा ले खा ले खा ले, मज़े का है, मोटा मोटा है। ले ले आजा। पानी भी इसको डाल लेते हैं। आप लोगों से एक बात भी करनी है, ज़रूरी सी। काफ़ी सारे लोग ना कह रहे थे कि ना भाई आप लोग ना अपना चैनल मिंटो को क्यों चेंज कर रहे हैं। यार पता है क्या ना, मिंटो के साथ हमने कौन सी बेवफाई की है। मिंटो ने ही एंड पे आके हमारे साथ बेवफाई कर ली भाई। हमने साढ़े तीन साल हो गए मिंटो को हमने चलाया, आप लोगों ने देखा, और एंड पे मिंटो हमसे भी वफाई कर गया, हमें ले गया। चैनल ही नहीं मिल रहा, हफ्ता होने वाला है, हम इंतज़ार में परेशानी में गुजर रहे हैं। मिंटो साहब और वापस ही नहीं आ रहे, इसलिए मैंने तो मिंटो से ना मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा छोड़ यार, मिंटो को हमने इतने प्यार से रखा है। खा ले आ जा भाई। मिंटो का नाम हमने इतना बड़ा प्यार से रखा है और मिंटो हमें वापस ही नहीं आ रहा। उसे परेशानी लगी हुई है भाई साहब, ना चैनल वापस आ रहा है ना परेशानी ख़त्म हो रही है। उसमें मेरे अच्छे खासे पैसे भी थे, पता नहीं वो भी मुझे मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो इसलिए ना मैं ना ज़रा मिंटो से ना क्यों मिंटो से ना अब अगर वो वापस आ गया तो फिर तो है ना, फिर तो मिंटो रहेगा। अगर वापस नहीं आता, अगर ये वाला है ना, तो बस मैंने इसका तो जहन बना लिया कि नाम चेंज कर दिया। ये हमने इसका नाम चेंज करके भी ट्राई भी कर रहे हैं, देहाती जू विलाग के नाम से ना। थोड़ी सी देखी थी रैंकिंग शैंकिंग, सर्च सर्च कीवर्ड की सर्चिंग सर्चिंग का भी होता है ना थोड़ा सा, कि वो कितना सर्च होता है। तो खैर वो मैंने अभी चेंज चेंज तो किया, ट्राई शराई तो करते हैं ना। बस आप लोग यार सिर्फ दुआ करें कि यार उसमें इतनी मेहनत की हुई है। अब जो जिनके चैनल हैं ना उनको सही आइडिया होता है कि अगर चैनल आगे पीछे हो जाए ना तो क्या गुजरती है। पूरे ये सफाई सफाई कर रहा है घर इधर की ना, टावर वाली साइड की। तो फिर इंशाल्लाह अपनी सब्जियां बनाएंगे, अपना दाल चावल अपना घर का बनाएंगे ना यहाँ पे। आ जाएं जी, आज का काम आपको दिखा देंगे। बंदा भी काम पे लगा हुआ है। हमारी इधर वाली बूटियाँ भी सारी लग चुकी हैं, जैसा कि आपको ये शायद पहली वीडियो में पता है। शतूत हमारा ख़राब हो गया था, ऊपर से टूट गया था यहाँ से। तो ये नीचे वाला ग्रीन है, ऊपर वाला सूख गया, लेकिन ये हो जाएगा हरा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इशू नहीं है इसका। नींबू की बूटी, ये ग्रेट, ये माल्टा, ये संतरा, नहीं ये चकोतरा, हाँ ये चकोतरा, ये माल्टा, ये लोकाट, और ये ग्रेट, और ये आम का पौधा। ठीक हो गया भाई साहब। और मेरे भाई साहब ये हमने ऐसे लाइन लगा दिए, आई समझ। और हमारे भाई साहब जो है ना पड़ोसी भी हैं, भाई साहब बना रहे हैं क्यारी सब्जी के लिए। हमने लेवल कर दिया, ईंटे से ईंटे ख़त्म हो गई, जो ईंटे थी वो हमने यहाँ पे लगा के ना हल्का सा फर्श लगा दिया, आई समझ। क्यों भाई साहब? भाई साहब इन्होंने तो सोना हूँ यही करना जो VIP भाई साहब बना दे। तो भाई साहब इधर आए हैं जी, आपको ये मैं दिखा दूँ। आम हमने आज ही लगाया, ये पड़ा रहा तब से हम लेके आए थे ना, पड़ा रहा है। आज हमने इसको लगाया, चूँकि जगह आज बनी है। अभी भी ये कुछ हमारा बजरी सजरी बची पड़ी है, इंशाल्लाह ये कहीं ना कहीं हम लगा देंगे और ये कोई अच्छी चीज़ बन जाएगी। ज़रूरत आएगी हमें, हम अभी वहाँ पे ना कुछ
ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ये ऐसा हमारा भाई साहब सीन है जी, यहाँ तक आपको नज़र आ गया। एक तो ये सफाई हो गई, सबसे बड़ी बात सफाई, निस्फ ईमान है तो वो भी बात पूरी हो गई, निस्फ ईमान भी हमने ले लिया और अपना काम भी कर लिया। यहाँ पे ऐसे देखो, ये हो गया पौधे, जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ काश्त करेंगे, कोई जगह छोड़नी नहीं है। सारी जहाँ जहाँ पे हमें जगह मिलेगी ना, इंशाल्लाह हम वहाँ पे ना कुछ काश्त करेंगे। भाई साहब यहाँ पे बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का क्यारा बनेगा ना, तो मज़ा आ जाएगा। फिर जो सब्ज़ी हम काश्त करेंगे, फा मिट्टी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है भट्टी साहब, मिट्टी अच्छी है ना? हाँ मिट्टी बहुत अच्छी है। और बस हम इसकी इंशाल्लाह क्यारे बना देते हैं, फिर इसकी खेलियाँ बनाएंगे। तो बाकी अंदर का माहौल तो भाई क्या बात है, VIP बन गया है। बस अब हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना क्या क्या शेयर करने वाले हैं वो तो आप वीडियो में ही देखेंगे। बस ये दुआ करें कि हमें वो व्लॉग वाला हमारा चैनल मिल जाए, जो हमारी रौनक शौनक वहाँ पर लगी रहती थी वो हमारी बहाल हो जाए। आगे समझ लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड पे हमने खेलियाँ भी बना दी हैं सब्ज़ी के लिए, और यहाँ पे हम अपनी सब्ज़ी काश्त करेंगे घर के इस्तेमाल के लिए। और इंशाल्लाह एक दो दिनों तक इसके पौधे वगैरह, पनीरी वगैरह और बीज वगैरह जो हैं वो मैं ले आऊँगा। साथ ही हमारे गांव में वो हर मंडे को लगती है मंडी, मंडी से ना वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो यहाँ पर ले आऊँगा और वो लगा दूँगा। और बस इधर वाला तो हो गया तकरीबन, और यहाँ पे भी मैंने कुछ जगह खाली पड़ी है, इस जगह पे भी इंशाल्लाह बना दूंगा मैं खेलियाँ, यहाँ पे भी सब्ज़ी गई। इसी तरह जो ये दीवार के साथ साथ है ना परली वाली साइड, वहाँ पे फूल के ना पौधे लगा देंगे फूलदार, इंशाल्लाह फिर उनकी खुशबू भी आएगी और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। तो उस साइड पर हो गई सब्ज़ी खेलियों की, और इधर पौधे छोटे छोटे फूल के लगा देंगे दीवार के साथ, और साथ में ये पौधे हो गए बड़े। और यहाँ पे जो ये वाली जगह है खाली, काफ़ी सारी पड़ी है, यहाँ पे भी खेलियाँ बना के क्यारा बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी सब्ज़ी काश्त करेंगे इंशाल्लाह। शाम होने वाली है, इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, और मैंने कहा जाते जाते आप लोगों को भी दिखा दूँ और अपनी बेगम को भी दिखा दूँ कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, एक तो क्यारी हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये जगह जो है फारिग है ना, फारिग है, काम आ जाएगी। आए मैं आपको और दिखाऊं, ये पौधे देखे लगा लिए हमने, वो वाले भी जो हाँ जो रह गए थे, सही है ना, लाइन में सारे लगा दिए ऐसे, सही है। ये देखो अच्छे लग रहे, वक्फा भी ठीक है, सही है। और फाइनल वो किया हमने, ये देखो सारे क्यारियाँ बना दी हैं। यहाँ इतनी यहाँ आगे तक नहीं बनानी थी, क्यों यहाँ मतलब आपके पेट आने थे, पैट वाली जगह वो पड़ी है ना परली साइड भी, पैट ने यहाँ से मुंह मार लेना है आपकी, नहीं नहीं नहीं, नहीं मार, हम ना वो लगाएंगे बाड़, बांस ले आएंगे, बांस हाँ हाँ। बांस को आधा आधा करके साइड पे खूबसूरत सा कलरफुल बनाएंगे, अच्छा ठीक है ना, हाँ हाँ। उधर से भी ऐसे बनाएंगे, इधर से भी ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पे इसके साथ ना ये दीवार जो है, इस पूरी दीवार के साथ फूलदार पौधे लगा देते हैं छोटे, खूबसूरत भी लगेंगे, सही नहीं है। पहले तो पेंट शेंट करेंगे ना हम सारा, और वो तो रंग शुरू करने से सफाई शफाई तो कर लेंगे ना, ठीक है। इधर भी हम बाएं बांध सकते हैं ना, जगह जो है ना, हाँ, यहाँ भी ये क्यारियाँ बांध सकती हैं, क्यारी ना बांध सकते हैं, हाँ जानवर वगैरह बांध सकते हैं, गाय भैंस जो है हम यहाँ बांध सकते हैं आराम से, जगह जो पड़ी है, छत भी सेट हो गई, लिपाई भी गई है सारा, नहीं नहीं आप उम्मीद तो नहीं करते, कमरा कितना बड़ा कमरा है, इसमें हम बहुत कुछ रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, मैंने एक आइडिया सोचा हुआ है, वो मैं फिर आप लोगों को बताते रहेंगे वक्त पे वक्त पे, अच्छा। वो आइडिया कोई बड़ा जबरदस्त है, अच्छा है ना, हाँ चलो ठीक, मैं आपको कैमरे के बाद बताऊंगी और आप लोगों को हम हर व्लॉग में बताएंगे, चलो माशाल्लाह। बस ठीक है, फिर इसी के साथ लेते हैं इजाजत, तो काफी सारा थक चुके हैं, काफी सारा काम किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, खुश रहें, बात रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।